आपके सामने देखने को मिल रहा होगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको एक इजी प्रोसेस करके आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करके और बिना किसी टीसी एग्जाम के आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। आप सीएससी आईडी लेने के लिए आपको टीसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल प्रोसेस ओपन करके डायरेक्ट आप एक ग्राहक सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं और सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन भी एट ए टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको ये सभी काम करना है, ये एकदम न्यू प्रोसेस है जो आपको प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे आपको 50+ बैंकिंग आपको आईडी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट का काम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, उसके बाद फिलिंग यहाँ पे टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट आपको जैसे ही गवर्नमेंट सर्विस जो होती है वो सभी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मेन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नो नीड एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी एग्जाम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब आप बिना किसी प्रकार के प्रमाण पत्र या परीक्षा के अपना ग्राहक सेवा केंद्र और डिजिटल केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। तत्काल आईडी प्राप्त करें यहाँ पे दिया गया है, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सीएससी आईडी है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं सीएससी आईडी है, और जो भी सर्विस सीएससी आईडी में मिलती है वही सर्विस हमको यहाँ भी मिला है। और जो भी जैसे कि एग्रीकल्चर का काम हो गया, यहाँ पे आपको बैंकिंग का काम हो गया, डीएसटी का काम हो गया, डीटीएच का, उसके बाद एजुकेशन का काम हो गया, पैन इंडिया का काम हो गया, जितने भी वर्क आपको सीएससी में मिलते हैं ना वो सभी वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टैग, उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम, उसके बाद टैक्स पेमेंट, उसके बाद डीटीएच, उसके बाद मतलब यहाँ पे और भी देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस है, स्किल इंडिया, हेल्थ केयर, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद लोन पे फी पेमेंट, यहाँ पे ट्रेवल जैसे कि मतलब आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ये सभी काम जो है और ये सभी वर्क जो है वो आपको मिल जाता है और बिल्कुल में मिलता है, आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे आईडी कैसे लेनी है पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना टीसी एग्जाम और बिना टीसी सर्टिफिकेट के, और डायरेक्ट आप तुरंत मतलब तत्काल ये आईडी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको आईडी आपको लेके दिखाते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करके और तुरंत आपको आईडी लेना है। यहाँ पे भी सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि न्यू प्रोसेस के से अगर आप सीएससी आईडी लेते हैं तो यहाँ पे ओल्डर प्रोसेस जो है वो तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ओल्डर प्रोसेस जो है ये पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है, अब न्यू प्रोसेस के माध्यम से अब आप सीएससी आईडी तुरंत ले सकते हैं विद इन इस मंथ के अंदर में, ठीक है। मतलब अगर आप आज 28 तारीख 29 तारीख है तो आप यहाँ पे 30 तारीख तक आपको आईडी मिल जाएगी, मतलब एक से दो दिन तीन दिन में आपको एक आईडी सीएससी बीएलए रजिस्ट्रेशन करके और आप एक आईडी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं न्यू प्रोसेस अलाउड शॉर्टली, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको एक आईडी प्राप्त हो जाएगी करेंट मंथ में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीएलए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा बीएलए रजिस्ट्रेशन में। जैसे ही यहाँ पे बीएलए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको यहाँ पे टाइम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका सीएससी का इंट्रोडक्शन आपका खुल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है वही प्रोसेस के माध्यम से आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि टीसी नंबर, ठीक है, अगर आपके पास टीसी नंबर नहीं है तब आपको कैसे आईडी लेनी है ये भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि फ्री अमर रजिस्ट्रेशन अंडर फोर स्टेट स्कीम, मतलब कि कोई ऐसी स्कीम के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको टीसी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पे एफपीओ, बैंकिंग और ईटीसी, बहुत सारे ऐसे मतलब स्कीम है जिसके माध्यम से अब आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको टीसी नंबर डालने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, टीसी के नंबर के लिए जरूरी अब नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मांग रहा है कि वैलिडेट योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही यहाँ पे आप सीएससी बीएलई क्लिक करेंगे ना तो आपसे टीसी नंबर मांगा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे सीएससी बीएलई क्लिक नहीं करना है। कारण ये है कि यहाँ पे सीएससी बीएलई जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें टीसी नंबर मांगा जाता है, और हमारे पास टीसी नंबर नहीं है, टीसी आईडी नहीं है, तो यहाँ पे हमें सीएससी आईडी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर आपका एनजीओ है
तो आप ये आईडी ले सकते हैं। प्राइवेट बैंक है तो आप ये आईडी ले सकते हैं। ऊर्जा देवी मतलब अगर आपने मतलब खोला है तो आप ये आईडी ले सकते हैं। आरडीडी एनयूएलएम मतलब नेशनल यूनियन ऐसे दिया गया है, एनयूएलएम एसएचजी अगर आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। एनयूएलएम ठीक है, SHG ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सर्च करके आपको दिखा भी देते हैं कि NULM का क्या मतलब होता है। यहाँ पे दिया गया है GAY दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय है। और यहाँ पे नेशनल अर्बन लिवहुड मैन ठीक है, यहाँ पे दिया गया है नेशनल मतलब ये मिशन है। और यहाँ से भी आप ये आईडी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है NULM SHG ठीक है। तो आप यहाँ पे NULM SHG मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे दोस्तों आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैसे आईडी लेना है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। NULM लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करते हैं ठीक है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले से आपका आईडी होना चाहिए। तो ये आईडी आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे एक्टिवेट यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी आईडी यहाँ पे नहीं होगी। कारण ये है कि आपको यहाँ पे NULM में अगर आप वर्क कर रहे हैं तब आपके पास ये आईडी रहेगी ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमें नहीं मिलने वाला है ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जो स्कीम के तहत है जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग ठीक है, तो ये आईडी हमें मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक अभी बिहार में है, चाहे झारखंड में, चाहे यूपी में, चाहे जो भी स्टेट से है वहां पे बहुत सारे प्राइवेट बैंक आईडी है जहां से हम प्राइवेट बैंकिंग आईडी ले सकते हैं ठीक है। और उस बैंकिंग आईडी से भी हमें सीएससी आईडी मिल जाती है और सीएससी आईडी तुरंत मिल जाती है ठीक है। तो ये तत्काल सीएससी आईडी चाहिए और आपको पास टीसी नंबर की जरूरत नहीं, टीसी नंबर नहीं है। और टीसी अगर आईडी आपके पास है भी नहीं तो भी आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है, टीसी का आपने एग्जाम भी नहीं दिया है, फिर भी आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करके और सीएससी आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने से पहले आपके पास कोई प्राइवेट बैंकिंग आईडी होनी चाहिए। तो प्राइवेट बैंकिंग आईडी भी आपको कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंकिंग आईडी के लिए बनाए गए हैं जहां से आप प्राइवेट बैंकिंग आईडी ले सकते हैं। जैसे संजीवनी हो गया, वहां से भी आप प्राइवेट बहुत सारी बैंकिंग है जहां से आप बैंकिंग आईडी ले सकते हैं। जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं सीएसपी सेफ से भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनी है ठीक है जहां से आप सीएसपी खोल सकते हैं ठीक है। मतलब आई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी सीएसपी आप खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिनो बैंक का भी सीएसपी खोल सकते हैं। प्राइवेट जितने भी सीएसपी है उन सभी सीएसपी का आईडी ले सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अगर आपका सरकारी बैंकिंग आईडी है तो बैंकिंग आईडी से भी आपको यहाँ पे सीएससी आईडी मिल जाती है, जिसके लिए डायरेक्ट आप अप्लाई करके एक सीएससी आईडी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी वर्क ऐसे में सीएससी में मिलते हैं ठीक है, वो सभी वर्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, वायलेट है सब कुछ, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी ठीक है, ये सभी जितने भी ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको क्या है कि अब आपको एट ए टाइम ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एट ए टाइम आपका यूसीएल भी चालू मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूसीएल ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग आईडी से लेंगे तो यूसीएल में डायरेक्ट आपको यहाँ पे आईडी चालू मिलता है ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे पीएससी जनरेटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑपरेटर आईडी अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद ₹50 डाल के किसी का भी अपडेट कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आधार कार्ड बनाने के लिए आता है या आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आता है तो आप उसका अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी काम जो है ये वर्क है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश किया हूँ कि कैसे आप एक आईडी बना सकते हैं और यहाँ से अगर सीएससी आईडी ले लेते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप कैसे वर्क आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब सबको सीएससी आईडी आसान तरीके से मिल जाएगी बिना किसी खर्च के और बिना किसी टीसी नंबर के। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।